भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे बंटी साहू। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रबान सिंह की शिकायत लेकर पहुंचे हैं बंटी साहू। बता दें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की हैं, जहां बंटी साहू बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह की शिकायत लेकर पहुंचे हैं। तो कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की गई है। चुनाव में छिंदवाड़ा के 5 प्रत्याशी भी मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर बंटी साहू कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, चौधरी चंद्रभान सिंह पर बड़ा आरोप है और शिकायत को लेकर बंटी साहू बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत करने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। उसके बाद भी जिस तरीके से बीजेपी ने हर जगह अपने वोट जीते हैं, उसके बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीजेपी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। ऐसे में छिंदवाड़ा भी एक जगह है जहाँ पर 5 विधानसभा सीटों के चुनाव के बाद भी बीजेपी को जो जीत है वो नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो आज भोपाल वीडी शर्मा जी के, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के पास आए। बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और कांग्रेस के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को जिताने की कोशिश की है। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई भी नाम सामने नहीं आया है, पर उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिया जा रहा था, जिन्होंने अपनी ही पार्टी में रह के, बीजेपी की पार्टी में रह के ही बीजेपी के साथ क्या बोलते हैं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे हम कि बंटी साहू जी आए थे शिकायत लेके, क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता हैं, कभी कुछ परेशानियां होती हैं तो वो अपनी बात कहने के लिए आते हैं और मैंने उनकी बात को गंभीरता से सुना है और जो आवश्यक उचित निर्णय होगा वो करेंगे। तो देखा आपने कि जिस तरीके से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं बंटी साहू जी, उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों को मुश्किल होती है, जो भी कहना होता है उनका, जो भी परेशानी आती है उसको लेके हमेशा से जो प्रत्याशी हैं वो उनके पास आते हैं और इस बार भी वो आए हैं और जिस भी तरीके से जो भी परेशानियाँ बीजेपी के अंदर ही चली हैं या फिर जिसका भी नाम सामने आ रहा है, भले औपचारिक नाम नहीं है पर जिसका भी नाम सामने आया है उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे उनकी तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। संगठन और मुझे हमारे सैलन जी हैं, एक षड्यंत्र रचते हुए बदनाम करने का प्रयास छिंदवाड़े में किया गया। उसमें हमारे कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के 5 भाजपा के प्रत्याशी, हमारे संगठन के 3 महामंत्री और बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष आए। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है और संगठन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेगा।